हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहाज ब्लैकबोर्ड। सो आज मैं आपको क्लास सिक्स का साइंस पढ़ाऊंगी और साइंस का पहला चैप्टर बहुत ही इजी है। क्लास सिक्स का ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो सीटेट, टेट, अदर स्टेट्स टेट की तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो क्लास सिक्स में पढ़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। इस चैप्टर का मेन एम क्या है कि हमें पता करना है कि फ़ूड कहाँ से आता है, फूड का सोर्स क्या है। तो हमें जैसे कि पता है कि फ़ूड का सोर्स क्या है, फूड के सोर्स हो सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, और जहाँ तक हमें पता है कि केवल एनिमल और प्लांट ही फूड के सोर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फूड के सोर्स और भी चीज़ हो सकते हैं, जैसे हमारा फंगस, जैसे हम मशरूम खाते हैं तो मशरूम हमें कहाँ से मिलता है, फंगस से। अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं वो कहाँ से मिलता है, वो ईस्ट से मिलता है यानी फंगस से। और इसी तरह योगर्ट होता है, कर्ड होता है, ये सब बैक्टीरिया के एक्टिविटीज से हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे सोर्सेज ऑफ फूड है। बट इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, और कुछ ओमनिवोर्स होते हैं, और सबके डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सब एक्टिविटी बच्चों से कराई गई है और बच्चों से में डिफरेंस बताया गया कि इन सब में डिफरेंस क्या है। सो ओवरऑल चैप्टर को हम लोग पढ़ के उसके बाद इसका एक्टिविटी हम लोग इसका लास्ट में एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही जल्दी रीडिंग करूँगी, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, What did you eat at home today? आज तुमने घर पे क्या खाया? Find out what your friend ate today. आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया आप इसको पता करिए। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो कल खाया था वही आज आपने खाया? We all eat different kinds of food at different times. हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स में, क्या ये सही बात नहीं है? तो चलिए आगे देखते हैं। फूड वैरायटीज, फूड की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। तो एक्टिविटी हम लोग वन करते हैं। एक्टिविटी वन क्या कहता है? आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे, जो हम लोग दिन में खाते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे, हम लोग दिन में क्या खाते हैं, स्कूल में क्या खाते हैं, अपने फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है स्कूल में डिफरेंट काइंड्स के बच्चे आते हैं, डिफरेंट काइंड्स मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आते हैं, तो आपको वो डिफरेंट फूड आइटम्स भी बता सकते हैं, ठीक है। सी इफ़ यू कैन गेट ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया ये, इससे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, फूड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितने तरह के फूड्स होते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। अपने फ्रेंड्स, आपके जो भी कोई फ्रेंड हो, आप उनसे पूछिए आज आपने क्या खाना खाया, उसका नाम नोट करके, नेम ऑफ द स्टूडेंट, उनका नाम नोट करके फूड आइटम जो उन्होंने दिन में खाया नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि सब बच्चे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। अगर साउथ का देखा जाए, साउथ के बच्चों, तो उनसे अगर पूछा जाए उन्होंने क्या खाया, तो जनरली वो लोग इडली डोसे का ही नाम लेंगे। और हमारे इधर नॉर्थ साइड की बात करें तो वो लोग अपना दाल, चावल, रोटी, सब्जी बताएंगे। तो दोनों ही फूड अलग अलग है। इससे हमें पता चला कि हाँ, फूड की वैरायटीज अलग अलग होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये सारे फूड आइटम्स किससे बने हैं पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैराइटीज इन द फूड दैट वी ईट, बहुत फूड में हम लोग जो खाते हैं। जब मैंने टेबल को जो देखा, उसको भरा, तो मुझे क्या मिला कि बहुत तरीके के फूड होते हैं जो हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये फूड आइटम्स किससे बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, आप राइस के बारे में सोचिए जो घर पे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन द वाटर, हम लोग कच्चा चावल लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, तो बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, दो इंग्रेडिएंट्स की, जैसे वाटर हो गया और राइस हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमने पता किया कि जो चावल होता है, राइस होता है, उसको बनाने के लिए हमें पानी और राइस की केवल ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसको मोर देन टू इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। मान लो जैसे आपके घर पे हो गया दाल, जब आपको दाल बनता है आपके घर पे, तो दाल के लिए क्या क्या चाहिए होता है, दाल के लिए आपको दाल चाहिए होती है, उसके लिए पानी भी चाहिए होता है, उसके लिए आपको साल्ट भी चाहिए होता है, उसके लिए आपको हल्दी भी चाहिए होता है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके लिए लग जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, इसमें एग्जांपल दिया वेजिटेबल करी का, जो वेजिटेबल करी होता है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, साल्ट चाहिए होते हैं, मसाले चाहिए होते हैं और ऑयल चाहिए होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी टू क्या है, चूज सम ऑफ द फूड आइटम्स यू लिस्टेड इन 1.1, आप कुछ यहाँ पर फूड आइटम्स के नाम लिख लो। और चलो मैं आपको फूड आइटम्स के नाम भी बताती हूँ, कोई भी फूड आइटम लिख लो आप, ठीक है, आप कोई भी फूड आइटम लिख सकते हैं, ठीक। जैसे हो गया इडली,
इडली का फूड आइटम मान लो राम क्या है इडली खाता है, श्याम क्या है वो दाल चावल खाता है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग टेबल बनाएंगे और टेबल में लिख लेंगे तो इससे क्या होगा, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो आपने यहाँ पे लिस्ट किया है यानी इडली लिस्ट किया है, आपकी लिस्ट में क्या है इडली है, और सेकंड पे आप कुछ और बना लीजिए जैसे हो गया दाल चावल हो गया, ठीक है उसको रख लेते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, अब इन सबको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं उसको पता करिए। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अब आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट का फूड है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं यार इसमें कौन ये किस चीज़ से बना हुआ है, और आप अपना बता सकते हैं ये किस चीज़ से बना हुआ है, और आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि मम्मी इडली किससे बनता है या फिर दाल चावल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। इसको 1.2 में लिखिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1.2 में कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे दिया है फूड आइटम्स, ठीक है, जैसे रोटी हो गया चपाती हो गया, जो रोटी होता है हमारे घर में उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा हो गया वाटर हो गया, दाल जो बनता है उसमें पल्सेस हो गया वाटर हो गया, साल्ट हो गया ऑयल हो गया घी हो गया स्पाइसेस हो गया, ठीक है। व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमने देखा कि कोई कॉमन फॉर मतलब कुछ चीज़ें ऐसे कॉमन है, जैसे मान लो दो डिफरेंट फूड आइटम्स है, एक चपाती है एक पल्सेस है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी हाँ इन दोनों में कॉमन है साल्ट, इन दोनों में कॉमन है वाटर, डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो, सो वेदर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, तो हमारा पॉइंट वन। अब फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, कुछ फूड मटेरियल्स और उसके सोर्स क्या है, इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन 1.2, हमने जो टेबल 1.2 में इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट किया था, हम सोच सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स आया कहाँ से, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंटेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, फूड और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो हमें पता है फ्रूट यानी फल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, ये कहाँ से आते हैं, हमें पता है ये सब प्लांट्स से आते हैं, बहुत ही आसान है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड वीट, जो हमारा चावल और गेहूं है वो कहाँ से आता है, वो भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका भी सोर्स क्या है, प्लांट्स है, कौन से प्लांट्स है, जैसे धान जो हो गया हमारा पैडी से आता है और पैडी फील्ड से आता है, और वीट गेहूं जो हो गया वो गेहूं के खेत से आता है, यानी प्लांट से ही आता है, ठीक है। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, तो हमें ये अनाज देते हैं यानी वीट हो गया राइस हो गया, हमें कहाँ से मिलता है, पैडी फील्ड से मिलता है, वीट फील्ड से मिलता है यानी प्लांट से मिलता है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग्स मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे हमने पढ़ लिया कि प्लांट से आते हैं, कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स से आते हैं, जैसे हो गया मिल्क, मिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है, एग मीट ये सब कहाँ से हमें मिलता है, एनिमल से। एक्टिविटी 3 क्या कहता है, पहला एक्टिविटी हमारा ये था कि अपने फ्रेंड से पूछ के लिखो कि वो क्या खाता है और उसका नाम लिखो, दूसरा एक्टिविटी ये हो गया, दूसरा एक्टिविटी इससे रिलेटेड था कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बना है मिलके, तीसरा एक्टिविटी अब देखते हैं क्या है, तीसरा एक्टिविटी है कि फूड आइटम्स का नाम लिखो, इंग्रेडिएंट्स लिखो कि वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसका सोर्स लिखो वो आया कहाँ से, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट ये कहता है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम्स फ्रॉम द इंग्रेडिएंट सोर्स, ये इंग्रेडिएंट्स और उस इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, ये जो इडली बना है इसका कौन सा इंग्रेडिएंट्स है यानी किस चीज़ से मिलके बना होता है और इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल 1.3 में दिया है, अब देखते हैं 1.3 फिगर, ठीक है, 1.3 टेबल देखते हैं हम लोग। जैसे हो गया इडली, इडली किससे बनता है, इडली राइस से, इडली में क्या क्या मिलके बना होता है, राइस होता है, उड़द की दाल पड़ती है, साल्ट होता है, वाटर होता है, और इन सबका सोर्स, इन चारों का सोर्स, ये चारों में कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, साल्ट हमें जनरली सी से मिलता है, लेकिन ये राइस और उड़द की दाल ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। हम अपने घर पर अगर चिकन करी बनाते हैं तो चिकन करी में जो चिकन होता है वो उसका सोर्स क्या है, एनिमल से, स्पाइसेस का सोर्स भी एनिमल्स ही, प्लांट्स होता है स्पाइसेस का सोर्स, मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ऑयल और घी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। खीर, हमारे घर पे अगर खीर बनाओ उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिल्क राइस शुगर, और इसका सोर्स दोनों है, मिल्क हमें एनिमल से मिल जाता है, राइस जो है हमें प्लांट से मिलता है, और शुगर भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिल जाता है, ठीक है। वेयर डू वी कंक्लूड फ्रॉम, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, हम लोग जो थर्ड एक्टिविटी किया उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है, हमें ये कंक्लूजन मिला है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, जो हमारे पौधे होते हैं वो किसके सोर्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जिससे ये बना हुआ है, ये सब इंग्रेडिएंट जो हैं ये सब क्या है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, इस सब के सोर्स क्या है, प्लांट्स, ये सब कहाँ से आते हैं, उड़द की दाल, राइस हो गया, चिकन हो गया, स्पाइसेस हो गया, सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं।
जैसे प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, जैसे ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट, बफेलोज आर द सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जो काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, बटर, क्रीम चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है एनिमल। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स जिससे हमें दूध मिलता हो? तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क पहले तो हमने पढ़ा, काऊ देता है हमें, गोट देता है, बफेलो देता है। इसके अलावा मिल्क हमें कहाँ से मिल सकता है? याक हो गया, हॉर्सेस हो गए, डंकी हो गए, ठीक है, रिंडियस हो गया, इस सब से हमें दूध मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चला मिल्क का सोर्स क्या है, एनिमल, और ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट। हमारा नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट लाइन बोलता है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। हम लोग को पता चल गया हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, जो हमारे चैप्टर का नाम था फूड दैट कम फ्रॉम। तो फ्रूट कहाँ से आता है, एनिमल्स से और प्लांट से। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं और एनिमल्स का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं फूड के फॉर्म में। प्लांट आर द सोर्स ऑफ अवर फूड। हमें पता है कि प्लांट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हम कुछ पौधे होते हैं जिनका हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स? जो पम्पकिन का फ्लावर होता है वो भी ईटेबल होता है। अगर हम लोग राइस के पेस्ट में डिप करके उसको खाएंगे वो बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा पार्ट्स हम लोग खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, जैसे सरसों हो गया, सरसों का पौधा आपने देखा होगा, जो सरसों का सीड होता है, बीज होता है, और उसका लीव्स, दोनों ही ईटेबल होता है और दोनों ही खा जाते हैं और दोनों को ही वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट? जो हम, क्या आपने बनाना के पार्ट को देखा है, प्लांट को देखा है, उसका भी, जो बनाना का क्या चीज़ हम लोग एडेबल है? तो बनाना का हम लोग स्टेम भी खाते हैं, इनर स्टेम, फ्रूट भी खाते हैं बनाना का, फ्लावर भी खाते हैं। और इनर स्टेम कहाँ खाया जाता है? ये सब साउथ के डिश होते हैं, साउथ में खाया जाता है, उसके फ्लावर भी खाए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज, जिसके मोर देन वन पार्ट्स खाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा कि मस्टर्ड प्लांट्स के ऑयल, मतलब मस्टर्ड प्लांट के सीड भी खाए जाते हैं, लीव्स भी खाए जाते हैं, और बनाना हो गया, बनाना का फ्रूट, फ्लावर, स्टेम भी खाए जाते हैं। घर में जो मेथी यूज़ होता है, जिसको फेनुग्रिक बोलते हैं, उसके सीड और लीफ दोनों ही खाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। चलो ये टेबल देख लेते हैं। बोल रहे फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज ए मेजर सोर्स। जैसे हमारे घर में ब्रिंजल करी बनी है, ठीक है, ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट क्या है और सोर्स क्या है? ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट हो सकता है ब्रिंजल, हो सकता है चिली, स्पाइसेस, हो सकता है ऑयल, मतलब ऑयल हो सकता है, जो ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन और अदर प्लांट्स से मिलते हैं। और ये ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है खुद, जो चिली स्पाइसेस के फॉर्म में यूज़ करें वो भी फ्रूट ही है। ऑयल सीड से मिलता है। इसी तरह अगर हम लोग रोटी देखें, जो हमारे घर में रोटी बनता है यानी चपाती बनता है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, वीट है और वाटर है। ये वीट क्या है, वीट खुद एक सीड है यानी बीज है। पोटैटो करी, अगर हमारे घर में पोटैटो करी बनता है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, पोटैटो है, वाटर है, और पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा है, स्टेम है। ठीक है, अगला हमारा, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, इम्पॉर्टेंट हमारा आगे का लाइन है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इस एक्टिविटी फोर में दिया है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, यहाँ पे देखिए ये बूझो और पहेली है। तो पहेली क्या करती है, कोई भी प्लांट का जाके लीफ खा लेती है। तो ऐसे कोई भी प्लांट हम लोग तुरंत नहीं खा सकते कि कुछ प्लांट पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी फोर क्या कहता है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हूज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये जो हमने टेबल में बनाए हैं, टेबल में जितने लिखे हैं फूड आइटम्स के नाम, इसका देखिए कौन सा प्लांट से मिला है और कौन सा एनिमल से हमको मिला है। आइडेंटिफाई दीज लिस्ट फूड आइटम्स एंड प्लांट्स वाट आर सोन इन 1.4 टेबल 1.4 में दिए गए। और बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ाना इसलिए है क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। नेक्स्ट हो गया एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स। जैसे आपके घर में मूंग की दाल हो गया, चने का दाल हो गया, उसको क्या करो, पानी में, पानी से धुल के उसको एक कंटेनर में रख दो और एक दिन के लिए उसे रख दो। दूसरे दिन आप क्या देखोगे, उसमें स्पॉन्टिंग होने लगेगी यानी उससे नए लीव्स आने लगेंगे, उसका ग्रोथ होने लगेगा, जिसको हम लोग अंकुरित कहते हैं। जैसे हम लोग चना रख दिए तो अंकुरित चना हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि दूसरे दिन तक वो नहीं होता, तो उसको फिर से हम लोग धुल के पानी में अगर डाल दें, वो फिर से ही उसमें थोड़े थोड़े स्पॉन्टिंग आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
इसका मेन एम यही है इन सबको बताने का कि हमारे मतलब जो सोर्स है हमारा फूड का वो क्या क्या चीज़ है, तो ये सब प्लांट से हमें मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे हमें नेक्टर हो गया, ये देखो अब नेक्टर, तो देखो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है, चलिए ये लाइन छोड़ दिया मैंने, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटिंग, वही चने वाला जो मैंने आपको बताया वही है। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हनी कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने बीहाइव मधुमक्खी का छत्ता देखा है, ठीक है, जहाँ पे बीज जो है भन 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 करते हैं, बजिंग उनका साउंड होता है बीज का, ठीक है। बीज क्या करते हैं, बीज जो है जो मधुमक्खी होते हैं कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है जो हमें फ्लावर से मिलता है, ठीक है, फ्लावर से मिलता है। तो बीज क्या करते हैं, जो मधुमक्खी होती है उनको भोजन चाहिए होता है, और वो उनको भोजन क्या होता है, उनका भोजन नेक्टर होता है, नेक्टर वो फ्लावर से लेकर आते हैं, जो ये स्वीट जूस होता है इस नेक्टर को लोग हनी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। वो हनी ह्यूमन भी यूज़ करता है, फ्लावर एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली पार्ट्स ऑफ ईयर, वो लोग ऐसा क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग कुछ सीजनल होते हैं, इस वजह से उनको स्टोर करके रखना होता है। सो बीज स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल ओवर थ्रू द ईयर, व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज ए हनी, हम लोग फूड को किस फॉर्म में कलेक्ट कर देंगे, हनी के फॉर्म में बीज के लिए, ठीक है। व्हाट डू एनिमल ईट, अब एनिमल क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जैसे हम लोग प्लांट और एनिमल को खाते हैं, तो हमारा ये भी तो क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल किसे खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट को तो सोर्स हो गया सॉइल से, उसको सब कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, वाटर मिल जाता है, लेकिन एनिमल्स का ऐसा नहीं है, एनिमल भी दूसरे प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। डू हैव कैटल और पेट, क्या आपको पता है कि मान लो आपके घर पे अगर कैटल हो या पेट आपके कोई हो, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, यू विल देन श्योरली अवेयर ऑफ द फूड, तो आपको पता होगा कि एनिमल क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट स्क्वायरल पिजन लिजर्ड और इंसेक्ट्स ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपको पता है कि स्क्वायरल पिजन लिजर्ड ये सब क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स ये सब क्या खाते हैं, इनका फूड क्या होता है। एक्टिविटी 6 करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलेगा कि स्क्वायरल क्या खाता है, कैटल क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाता है। तो हमारे घर में हमने देखा है कि स्क्वायरल को ही देख लो, स्क्वायरल ग्रेन्स कहीं पड़े होते हैं, सीरियल्स का थोड़ा बहुत रहता है तो वो खा लेता है, पिजन्स भी सीरियल्स या ग्रेन्स पे डिपेंड करते हैं, लिजर्ड इंसेक्ट्स खा लेता है छोटे मोटे। अब एक्टिविटी 6 क्या कहता है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फाइंड सच सम ऑफ देम दिस फूड दे ईट इन द गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। अब ये एनिमल्स दिए हुए हैं और ये क्या क्या खाते हैं, इस टेबल को पूरा फिल करिए। तो रेड क्या खाता है, रेड भी ग्रेन्स ही खाता है, लॉयन दूसरे एनिमल्स को पे डिपेंड होता है, टाइगर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है क्योंकि ये सब कार्निवोर्स है, और लिजर्ड वगैरह हो गए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमन बींग्स क्या होता है, अगर ह्यूमन बींग्स का देखा जाए वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है, वो ओमनीवोर्स हो गया, ठीक है, क्रो भी ओमनीवोर्स में आ गया, तो ये दूसरों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक्टिविटी 7 क्या कहता है, एक्टिविटी 7 यही इस चैप्टर का मेन पार्ट है कि हम लोग को डिफरेंस पता करना है, हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनीवोर्स, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और जो मैंने शॉर्ट्स बनाया उसमें हर्बीवोर्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, कार्निवोर्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल, और ओमनीवोर्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल। तो शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर्बीवोर्स वो होता है जो हर्ब्स को ईट करते हैं, कार्निवोर्स वो होता है, हर्बीवोर्स वो होता है जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, कार्निवोर्स वो होता है जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ओमनीवोर्स वो होता है जो एनिमल और प्लांट्स दोनों पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। यानी ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उसे ओमनीवोर्स कहते हैं। तो चलो ये दिया है टेबल और इसमें एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल तो हम बता ही देंगे। चलो देखो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स काऊ हो गया, ठीक है, क्योंकि काऊ प्लांट्स को खाता है, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होता है। लायन कार्निवोर्स होता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है। डॉग ओमनीवोर्स होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है। इसमें हम और एग्जांपल दे सकते हैं हर्बीवोर्स का, जैसे डियर हो गया, कैमल हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया। कार्निवोर्स का एग्जांपल हम लोग और बता सकते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, पोलर बियर हो गया, वुल्फ हो गया, चीता हो गया, ये सब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ओमनीवोर्स में आ गया बर्ड्स हो गया और फॉक्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोर्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। अब पहली जानना चाहती है, पहली वॉन्ट्स टू नो वुड वेयर वुड
प्लेस वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स, ठीक है, 1.6 में, टेबल 1.6 है, आप ह्यूमन बींग को किस में रखोगे, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स? तो हमको पता है कि एनिमल जो ह्यूमन बींग होता है वो प्लांट्स को भी खाता है, यानी वो हर्बीवोर्स भी हो गया, ह्यूमन बींग मीट वगैरह भी खाता है, वो कार्निवोर्स भी हो गया। तो जो दोनों ही होता है, यानी जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाता है, उसको किस में रखा जाता है, ओमनिवोर्स। तो हमारा आंसर हो गया ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स होता है, ठीक है। वी नो दैट देर आर सो मैनी अमंग अस, वुड, हमें ये भी पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भूखे रह जाते हैं, जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता। तो हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि ताकि हमारे कंट्री से ये प्रॉब्लम हटे और फूड का ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हो, ताकि लोग, सभी लोग खा सकें। और इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर में, चैप्टर वन में मेनली, चैप्टर वन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वन में बस इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। चैप्टर वन में केवल इम्पॉर्टेंट है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये तीनों ही क्या हैं। और इसका एग्जांपल तो ह्यूमन बींग्स का पूछ सकता है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है या हर्बीवोर्स? तो ह्यूमन बींग क्या है, ओमनिवोर्स है, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन, और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी है मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊँगी तो मैं आपको सब सॉल्व करवा दूँगी। और आपको जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।